नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं रविशंकर सिन्हा और आज हम फिर से मौजूद हैं भागलपुर के कोरोना अपडेट को लेकर। हालांकि हम इसके साथ बिहार के अन्य जिलों के भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर में जो आज 386 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। आज जो रिपोर्ट आई है राज्य सरकार की ओर से, जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो रिपोर्ट जारी हुई, इसमें 386 कोरोना पॉजिटिव की आज पुष्टि हुई है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी पटना की, तो 1300 से अधिक कोरोना पॉजिटिव आज भी वहां से पाए गए हैं। जबकि अगर हम कल की बात करें तो वहां 600 से अधिक मरीज भागलपुर में पाए गए थे। और पिछले 6 दिनों की अगर हम बात करें तो 4 दिन ऐसे हैं जो कि 300 से अधिक का आंकड़ा गया और एक दिन 600 से अधिक गया। तो कुल मिलाकर पिछले 6 दिनों में 2000 से अधिक कोरोना पॉजिटिव के नए मामले भागलपुर में आ चुके हैं। हालांकि हम जब बात रिकवरी रेट की करते हैं तो पहले 90% 95% तक हमारे यहाँ भागलपुर की रिकवरी रेट थी, लेकिन अब आज जो लगातार जो पिछले 6 दिनों में जो स्थिति बदली है, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या जो बढ़ी है, तो उसके कारण वो आंकड़ा गिर के अब 80 से 82% के आसपास आ गया जो रिकवरी रेट है। हालांकि हम बात करें कि भागलपुर में अब तक जो है 100 से अधिक मरीज की मौत भी हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव होने के कारण। कोरोना के कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो वही अगर हम बात बिहार की करें तो वहां पे करीब 1700 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के कारण जो है अपनी जान गंवा चुके हैं। हम अगर पूरे बिहार की बात कर रहे हैं इसमें, और साथ ही हम आपको बता दें कि भागलपुर समेत जो है बिहार में अब तक जो है 33,465 कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव मरीज फिलहाल मौजूद हैं। यह हम आज तक का आपको आंकड़ा बता रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें भागलपुर की, तो यहां 10,000 से अधिक मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2500 के करीब मरीज, वो एक्टिव मरीज यहां पर भागलपुर में अभी इलाजरत हैं अलग अलग अस्पतालों और कोविड सेंटरों पर। तो इसके साथ ही हम यह देखना होगा कि जिला प्रशासन और सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए, लोगों की सुरक्षा को लेकर के, तो उसके लिए हम सबों को भी इसमें सहयोगी होना होगा। हम सबों को नियमित रूप से मास्क का उपयोग करना होगा, लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो भी गाइडलाइन है, उन सबों का पालन करना हम सबों के लिए आवश्यक है, जिससे कि हम सभी मिल करके पहले की तरह कोरोना को एक बार फिर से मात दे सकें और कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या में जो तेजी आ रही है उस पर नियंत्रण कर सकें। और साथ ही जो सुरक्षा, हम आपको बता दें कि भागलपुर के सदर अस्पताल में अभी 76 बेड मौजूद हैं जो कोरोना के संक्रमित मरीज के लिए तैयार की गई है। इसी के साथ जो TTC में जो कोविड सेंटर बनाया गया है वहाँ पर फिलहाल 100 मरीज की व्यवस्था की गई है, 100 बेड की व्यवस्था की गई है। और साथ ही जिला प्रशासन का यह कहना है, अभी जिलाधिकारी ने भी कहा था कि 500 बेड की तैयारी की जा रही है, जो अगर स्थिति लगातार बदलती जा रही है उसको देखते हुए 500 अतिरिक्त बेड की तैयारी की जा रही है कोविड सेंटर के लिए। और इसके साथ ही भागलपुर के मायागंज अस्पताल की अगर हम बात करें, JLNMCH की बात करें, तो वहाँ 176 बेड अभी मौजूद हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से, विभाग की ओर से लगातार इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कोविड से बचाव को लेकर के कई लोगों को कई तरीके से जागरूक किया जा रहा है, और तमाम जगहों पर जांच की भी व्यवस्था की गई है। भागलपुर के सदर अस्पताल मायागंज के अलावा जो है भागलपुर के बरारी और विभिन्न जगहों पर भी जो है इसके लिए व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हम सबों को इसके लिए सहयोगी होना होगा। और सबसे सिल्क टीवी भी यह अपील करती है कि कोरोना पॉजिटिव की जो केस में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, मरीजों की संक्रमण का जो तेजी देखी जा रही है, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम सबों को एकजुट होना होगा। हम सबों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा, जरूरत पड़ने पर ही हम बाहर निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, इन सबों का हमें ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही जो ये तेजी से जो बढ़ रहा है, इस पर हम अंकुश लगा करके अपने साथ, अपने परिवार, समाज और देश की भी रक्षा में सहयोगी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।